ये तीनों वैकेंसी यार मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इन वैकेंसीज के लिए वेट करते हैं। और लग जाइए यार, मतलब जबरदस्त प्रिपरेशन करिए, टोटल 25,000 और वैकेंसी मार्च तक इन्हें निकालनी है। डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, और डेफिनेटली ये भी आप जानते होंगे कि जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर से ही हैं। अब ऑब्वियसली आप ये सोच रहे हो कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अंदर तीन मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसीज आने के लिए लिस्टेड है, जिसमें से एक हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसके अंदर लगभग 9,534 वैकेंसी आनी है। सेकंड हमारी यूपी SSSC लेखपाल यानी कि राजस्व विभाग के अंदर जो वैकेंसी आनी है, जिसमें लगभग 7,882 वैकेंसी आने के लिए अनाउंस हो रखी है। और थर्ड हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है, जिसमें 50,000 वैकेंसी आने वाली है। फ्रेंड्स, ये तीन वैकेंसी इतनी ज्यादा डिजायरेबल है, काफी सारे लोग बेसब्री से इन वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और जब मैं डेली वीडियो बनाता हूं तो मतलब इतनी सारी कमेंट्स इन वैकेंसीज को लेकर आते हैं, इतने सारे डीएम्स मुझे आते हैं कि भैया यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आखिर कब आएगी, कांस्टेबल की 50,000 वाली वैकेंसी आने वाली थी वो कब आएगी। काफी लोग बोल रहे हैं कि पढ़ने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पढ़ पढ़ के थक गए, वेट कर करके थक गए, डिप्रेशन वाली हालत हो गई है। तो मैं ये देखता आ रहा था, तो फाइनली मैंने सोचा कि यार आज इन तीनों वैकेंसीज को लेकर आपका डाउट क्लियर करता हूं, आपको एक एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी आपकी कब आ सकती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है काफी सारे लोग के साथ, और डेफिनेटली आपके साथ भी होगी, कि जब तक वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हो जाते तो पढ़ने को मन नहीं करता, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने का एक जुनून नहीं आता। डेफिनेटली आप सभी लोग के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कब से आपको अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, कौन सी वैकेंसी के लिए। इन तीनों वैकेंसीज को लेकर आज आपका डाउट एकदम क्लियर करने वाला हूं, इसके बाद आप इन वैकेंसीज के लिए खूब मन लगा के पढ़ने वाले हो। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी यार मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इन वैकेंसीज के लिए वेट करते हैं और जबरदस्त तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक वैकेंसी को सबसे पहले उठाते हैं। और हां, उससे पहले बता दूं, वे टू सक्सेस की एक साथ दो जनरल अवेयरनेस की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, एक हमारी सब्जेक्टिव बुक है। अगर आपने इन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की ठान ली है तो फ्रेंड्स फटाफट बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि यार जबरदस्त प्रिपरेशन इस बार आपको करनी है। ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यार ऑब्वियसली आपके आसपास बुक स्टोर पर बुक आसानी से अवेलेबल है, तो आप आसपास अपने बुक स्टोर से ऑफलाइन भी बुक को परचेज कर सकते हो। इससे बेस्ट बुक यार आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मिल ही नहीं सकती। तो चलिए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि फिलहाल ये मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी बनी हुई है, और 6 महीने पहले ही वैकेंसी अनाउंस हो गई थी कि लगभग 9,534 वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिसमें आपकी एसआई की भी रहेंगी और एएसआई स्टेनो वगैरह की भी वैकेंसी रहने वाली है। तो सभी लोग यार वेट कर करके थक गए हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हैं वैकेंसी का वेट करने की, यार वैकेंसी कब आएगी और कब हमें सिलेक्शन लेने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। फाइनली आपको एक बात कहता हूं, ये वैकेंसी 100% क्या 101% आएगी, और बहुत जल्द आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी कब। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा लास्ट ईयर वाली जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी उसके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है, नॉर्मलाइजेशन वाला जो पंगा था। अब फाइनली जो हियरिंग की डेट दी गई है वो 3 फरवरी दी गई है, उसी के बाद कुछ डिसीजन होगा, और जो नई वैकेंसी आएगी ये 9000 वाली वो उसी के बाद ही आएगी। तो फरवरी मंथ के अंदर आपकी वैकेंसी आने के 100% चांसेस है, या फिर मार्च तक वैकेंसी आपकी 100% आ जाएगी। बस इतना कहता हूं कि वैकेंसी 101% आएगी, प्रिपरेशन में लगे रहिए। तैयारी अगर आप छोड़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे, तैयारी में लगे रहिए। कोई छोटी मोटी वैकेंसी तो है नहीं, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, आपको दरोगा बनना है, तो यार तैयारी आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों के माइंड में ये डाउट बना हुआ है ना, जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब तक वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं होते, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलता, तब तक पढ़ने को मन नहीं करता, अंदर से एक मोटिवेशन नहीं आता। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जहां पर आप 100% फोकस के साथ, 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हो, पढ़ा हुआ आपके हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है, और आप जहां पर सबसे ज्यादा सीखते हो, वो जो टाइम होता है वो होता है जब तक उस वैकेंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट नहीं होते, उससे पहले जब आप प्रिपरेशन करते हो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप अपने आप को 100% प्रिपेयर कर पाते हो, एक टाइम ये होता है। और दूसरा टाइम जहां पर आप सबसे फोकस के साथ पढ़ते हो वो तब होता है जब उस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड निकल आता है, और तब आपके लास्ट टाइम पे जब आप प्रिपरेशन करते हो ये टाइम होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा फोकस के साथ किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे हम तभी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे और हमारा तो तभी पढ़ने को मन करेगा, वरना तो मोटिवेशन है ही नहीं, तो उस टाइम
पे आप पढ़ते तो हो लेकिन उतने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा जाता। जब एग्जाम नजदीक आता है फिर सोचते हो कि यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स ये सोच के चलिए जब तक वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप खुद को 100% प्रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको अपना यही माइंड सेट बनाना है कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है उससे पहले मुझे खुद को 100% प्रिपेयर कर लेना है, एकदम जबरदस्त तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, चारों तरफ से मैं सेफ होना चाहता हूं, चाहे कितने भी बड़ा लेवल का एग्जाम क्यों ना आ जाए, कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना आ जाए, कितने भी जल्दी एग्जाम क्यों ना हो जाए, मैं उसको एकदम फोड़ सकूं, ठीक है, इतनी जबरदस्त तरीके से मुझे प्रिपेयर होना है। तो ये सोच के चलिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही मेरे पास टाइम है, जितना जबरदस्त मैं प्रिपेयर हो सकूं उतना होगा, ठीक है, तभी आपके अंदर से एक मोटिवेशन और जुनून निकल के आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस मत करिए। काफी लोग बैठे हुए हैं 6-6, 7-7 महीने से बैठे हुए हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, हम तो उसी के लिए तैयारी करेंगे, बस वही फॉर्म भरेंगे। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। भले आपका जुनून हो कि हाँ यार मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे डिफेंस ज्वाइन करनी है, उस टारगेट को रखिए, लेकिन उसके बीच में जितने भी टारगेट आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी आ रही हो, उनको भी टारगेट करके चलिए। आप प्रिपेयर होगे, खुद को चेक कर पाओगे, खुद को टेस्ट कर पाओगे, आप ऐसे बन जाओगे, इतने जबरदस्त ट्रेंड हो जाओगे, चाहे कितना बड़ा पहाड़ जैसा एग्जाम क्यों ना हो, आप उसको चुटकियों में क्रैक कर लोगे। तो बीच बीच में उन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। आपको पहुंचना यहां है, लेकिन मैं इन चुनौतियों से भी लड़ता हुआ चलूंगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, फिर देखिए जबरदस्त मोटिवेशन आपके अंदर से ऐसे निकल के आएगा और आपका पढ़ने को बड़ा मन करेगा। फाइनली यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में यही कहना चाहूंगा, वैकेंसी 101% आ रही है, बहुत जल्द आएगी, फरवरी मंथ में या फिर मार्च से पहले ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ कि मार्च तक आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी, अगर आपने 3-4 दिन पहला न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें एक आर्टिकल आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कुछ शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे, ठीक है, उन्होंने वहां पर एक अनाउंसमेंट भी की थी कि 19 मार्च तक जो यूपी गवर्नमेंट है उसके 4 साल पूरे हो जाएंगे, और जो उन्होंने अपना एक लक्ष्य तय किया था कि 4 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो पूरा होने वाला है, क्योंकि अब तक उन्होंने 3,75,000 युवाओं को नौकरी दे दी है, जिसमें से हमारी कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसीज रही हैं और छोटी मोटी वैकेंसीज रही हैं, शिक्षकों की भी वैकेंसीज रही होंगी। मतलब 19 मार्च से पहले उन्हें ये लक्ष्य पूरा करना है और 25,000 वैकेंसी और निकालनी है, तब जाके 4 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, यानी कि भर्तियां निकलेगी, ठीक है, जिसमें से हमारी उसी न्यूज़पेपर में दी हुई थी एक हमारी लगभग 9,000 के आसपास यूपीएसआई की वैकेंसी निकलेगी, साथ ही लेखपाल की हमारी 7,882 वैकेंसी निकलेगी और हमारी जूनियर असिस्टेंट वीडियो वगैरह की भी वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें हमारी पंप ऑपरेटर वगैरह की भी वैकेंसी निकलेंगी। तो टोटल 25,000 और वैकेंसी मार्च तक इन्हें निकालनी है, तब जाके इनका 4 लाख का लक्ष्य कंप्लीट होगा 4 साल में नौकरी निकालने का। तो फ्रेंड्स ये पूरा फंडा है और ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये मत रखिए यार माइंड में कि यार वैकेंसी आ नहीं रही है, मेरा पढ़ने को मन नहीं करना, पढ़िए यार, आपका काम है, आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो तो आपकी लाइफ में यही रहना चाहिए कि मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे खुद को 100% प्रिपेयर करना है, चाहे वैकेंसी 1 महीना या फिर 2 महीना लेट क्यों ना आए, जब तक वैकेंसी ऑनलाइन नहीं हो रही है तब तक ही आपके पास टाइम है, जितना ज्यादा जबरदस्त तरीके से खुद को प्रिपेयर कर पाओ कर लीजिए। फ्रेंड्स प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ना, ये सबसे बड़ी भूल होती है, काफी सारे लोग प्रिपरेशन करना छोड़ देते कि जब वैकेंसी आएगी मैं तो तभी प्रिपरेशन करूंगा, लग जाइए यार, मतलब जबरदस्त प्रिपरेशन करिए। बुक मैं आपको बता ही चुका हूं, वे टू सक्सेस की आ चुकी है, यूपी वालों यार अपने आसपास बुक स्टोर पर पता कीजिए, बुक आपको ऑफलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन भी वैसे अवेलेबल है, लेकिन आप बुक स्टोर पर ले सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है। बात कर लेते हैं यूपी SSSC लेखपाल वाली वैकेंसी कब तक आएगी। फ्रेंड्स वैकेंसी बहुत जबरदस्त तरीके से अनाउंस हो रखी है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वैकेंसी पहले भी निकली थी लेकिन पोस्टपोन हो गई थी, अब ये वैकेंसी काफी टाइम से न्यूज आ रही है कि वैकेंसी निकलेगी, फिर वैकेंसी बढ़ा दी, लगभग 7,882 वैकेंसी कर दी, तो ये वैकेंसी भी आपकी मार्च मंथ से पहले ही आ जाएगी। इस वैकेंसी के बारे में इतना कह सकता हूं, वैकेंसी निकलने को लेखपाल की कल निकल जाए या फिर आपकी 15 दिन बाद निकले, लेकिन ये वैकेंसी भी आपकी 101% आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। काफी सारे लोग के डाउट रहते हैं कि यूपी SSSC लेखपाल की वैकेंसी में SSSC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा क्या? नहीं फ्रेंड्स, SSSC सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, केवल 12th पास मांगा जाएगा, क्योंकि पहले जब ये वैकेंसी निकली थी और फिर ये कैंसिल हुई थी उसमें केवल 12th पास मांगा गया था, लेकिन फिर भी यार फिलहाल आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो SSSC के सर्टिफिकेट भी आपको लेना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा ही तो है, तो उसके लिए आपको ट्राई करता रहना चाहिए, ठीक है। फाइनली
थर्ड वैकेंसी जो हमारी है, मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। 50,000 वैकेंसी अनाउंस हो रखी है। जब यूपी गवर्नमेंट आई तभी उन्होंने अनाउंस कर दी थी कि हम 1.5 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे। लगभग 1 लाख के आसपास ये वैकेंसी निकाल चुके हैं, साथ ही इनको लगभग 50,000 की और वैकेंसी निकालनी है। और ये भी आप बाखूबी जानते होंगे 2022 में है यूपी के इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले वैकेंसी गारंटेड ले आएगी। ये जो वैकेंसी है ये आपकी जून के बाद ही आएगी, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि लास्ट वाली वैकेंसी के कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो वैकेंसी आपकी जून के बाद या फिर आपकी अगस्त सेप्टेम्बर तक भी जा सकती है, लेकिन 2022 से पहले आपकी वैकेंसी ऑनलाइन हो जाएगी 100%। तो प्रिपरेशन में लगे रहिए। जिन लोगों का सपना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल फोड़ना है, तो तैयारी में लगे रहिए। यूपी एसआई वाले अपनी तैयारी में लगे रहिए और यूपी ट्रिपलसी लेखपाल वाले अपनी तैयारी में लगे रहिए। बस यही कहूंगा, तैयारी करना मत छोड़िए, डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये नहीं कि आज पढ़ने को मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लूंगा, अभी तो वैकेंसी नहीं आई, काफी टाइम है, पढ़िए जरूर, डेली पढ़िए। ये जो आपकी रेगुलरिटी है इसको बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, चाहे आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो काफी है, लेकिन पढ़ना जरूर फ्रेंड्स, ठीक है, पढ़ाई बिना कुछ भी नहीं होगा, तो डेली पढ़ते रहिए। और ये 3 वैकेंसीज थी, आई होप आपका डाउट थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ होगा, जो मैंने आपको फंडे बताए कि प्रिपरेशन जो होती है 100% फोकस के साथ, वो वैकेंसी के फॉर्म आने से पहले ही होती है। तो जितना खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो करो, ठीक है, अपने आप को 100% सेफ कर लो, एक तगड़ा फौलाद बना लो कि यार चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए एग्जाम के रूप में, मैं उसको ऐसे उड़ा दूंगा। तो आपको जबरदस्त प्रिपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो का यही मुद्दा था, वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आ रही है, यूपीएसआई लेखपाल की वैकेंसी आपकी फरवरी मंथ में ही आने की पूरी पूरी उम्मीद है, 99% चांसेस है, और बाकी आपकी कांस्टेबल की जून जुलाई के आसपास वैकेंसी आ जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनली बुक्स के बारे में बता ही चुका हूं, अगर आप इन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों बुक आप परचेज कर सकते हो। मोस्ट अफोर्डेबल बुक हमने आपके लिए निकाली है, जिसमें से एक हमारी ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। और इसमें पूरा हमने स्टैटिक जी के लास्ट के पेज पर रखा हुआ है, लास्ट 50 पेज में स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट, और ये हमारी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। ऑनलाइन बुक अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यार अपने आसपास बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां पर काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रही है किसी रिटेलर पर, तो नीचे हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिया हुआ है, अपने रिटेलर जो है आसपास बुक स्टोर वाले, उनको नंबर प्रोवाइड करिए, आपके पास कुछ ही घंटों में बुक अवेलेबल हम करा देंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा फंडा है, पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए, डेली प्रिपरेशन करिए, चाहे कम ही क्यों ना पढ़ो। तो चलिए, वीडियो यार पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, 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 oh